अमरी जीरी सिंध का एक छोटा सा गांव है जो जाम शोरों के जिला में कैरथर की पहाड़ियों के दामन में वाके है। इसका शुमार वादिय सिंध की कदीम तरीन तहजीबों में होता है। ये गांव आज भी दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर दरिया से एक मील के फासले पर आबाद है। कराची से 175 मील पर कोटरी के शुमाल में 67 मील और दादू के जनूब में 45 मील, जबकि जाम शोरों में वाके ये आसार अहमियत के हामिल है। 4.10 एकड़ पर मुश्तमिल ये टीला 1929 में एनसी मोज मदार ने इसको दरियाफ्त किया था। मजीद डिस्कशन से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से हमारा इनाम है। फ्रांसीसी आर्कियोलॉजिकल मिशन और पाकिस्तान आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इस इलाके की 1959 से 1962 तक खुदाई की। इस मकसद के लिए 3 टीलों की खुदाई की गई। इन टीलों से मिलने वाले बर्तनों और ठेकरियों से अंदाजा होता है कि सबसे ऊपर वाले हिस्से से जो जरूफ बरामद हुए हैं वो ठट्ठा और मुल्तानी तर्ज के हैं। आमरी की कदीम बस्ती 2 टीलों पर मुश्तमिल है जो मौजूदा आमरी गांव के करीब शुमाल में वाकई है। उनमें से एक टीला 40 फीट ऊंचा है जबकि दूसरा टीला 13 फीट बुलंद है। कयास किया जाता है कि कदीम दौर में ये गांव 24 एकड़ रकबे पर मुहित होगा। कदीम आसार के माहरीन के मुताबिक ये बस्ती 5 मरतबा आबाद हुई। आमरी वादिय मेहरान की सबसे कदीम आबादी है जो 3540 काफ मीम से लेकर 3240 काफ मीम के दरमियान बसी थी। आमरी के कदीम आसार की खुदाई के दौरान जो बर्तन मिले हैं उनमें से 82% हाथ से बने हुए हैं और बाकी मानदा 18% चाक पर बने बारीक दीवार के नफीस बर्तन हैं। मट्टी बादामी रंगत की या सुर्खी माइल है। बर्तनों पर जो सजावटी तस्वीर मनकश की गई हैं, उनकी हैयत हिंसों की शक्ल की है। बर्तनों पर बनी तस्वीर इंतहाई बद्धी हैं और इनमें कहीं कहीं सुर्खों सयार रंगों का इस्तेमाल किया गया है। खुदाई के दौरान चंद तांबे के टुकड़े भी दस्तयाब हुए हैं। टूटे हुए ब्लेड, पत्थर के गोले, कुछ मिट्टी के बने मोती, 1-2 मिट्टी की और चंद घूंघों की बनी हुई चूड़ियां मिली हैं। उस जमाने में मुस्तकिल तौर पर घर बनाने का रिवाज नहीं था। कुछ कच्ची ईंटों से तामीर की गई दीवारें मिली हैं, जिनमें बाज़ जगह लकड़ी के सुतून लगाए गए हैं। बाद में यही फने तमीर मोहनजोदड़ो के अनाज घरों की तामीर में इस्तेमाल किया गया। इनमें से बाज़ इमारतें तहखानों के ऊपर बनी हुई हैं। तहखानों में दाखिल होने का वाहिद रास्ता इनकी छत से उतरता होगा क्योंकि चार दीवारी में आमदोरफ्त के लिए कोई दरवाजा नहीं था। आमरी तहजीब का जमाना मुख्तलिफ अदवार पर मुश्तमिल है। कदीम आसार के माहरीन के मुताबिक आमरी के तीसरे जमाने से मुस्ततील शक्ल की इमारतें मिली हैं जिनमें छोटे छोटे कमरे हैं जो इतने तंग हैं कि रिहाइश के काबिल नहीं हैं। उनकी दीवारों में खिड़कियां और दरवाजे भी नहीं हैं। इनमें से अक्सर खाली हैं और बाज मलबे और कच्ची ईंटों से भर गए हैं। सिर्फ एक घर में 2 कमरों के दरमियान दरवाजे की जगह छोड़ी गई है। इनकी दीवारें 5 से 6 फीट ऊंची थीं। इससे ऊपर अगर तामीर थी तो वो महफूज नहीं रही हैं। इन आसार से मुगलिया दौर के चंद सिक्के भी मिले हैं। खंडरात की खुदाई के दौरान वहाँ से भट्टियाँ मिली। मिट्टी के बर्तन पर जियोमेट्रिकल और दूसरे निशानात हैं जो सुर्खी माइल कथई रंग के हैं। यहाँ पर जब दूसरी जगह खुदाई की गई, तो इस नई खंदक में तकरीबन 1 फीट की गहराई में एक पत्थर की इमारत के खंडरात मिले हैं। उन खंडरात के मशरकी जानिब छोटे कमरों की बुनियादें नजर आती हैं। दीवारों की तहों से खुदाई के दौरान गोमड़ियों या बजरी के ढेर साफ किए गए जो बुनियादों में इस्तेमाल किए गए थे। जब काली मिट्टी की एक तह दोबारा नमूदार हुई और इसके साथ ही मुख्तलिफ रंग की जरूफ भी दरियाफ्त किए, खंदकों की खुदाई में साबित बर्तन तो नहीं मिले मगर बहुत से बेकर यानी प्याले और ग्लास जैसे खुले बर्तन जरूर दरियाफ्त हुए। आमरी के 2 किस्म के जरूफ बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ हैं। इससे अंदाजा होता है कि आमरी तहजीब 2 मुख्तलिफ तहजीबों पर मुश्तमिल है जिनमें से एक मोहनजोदड़ो की हम असर है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मजीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।